कहाँ था मैं इतने दिनों से, एक महीने से वीडियो क्यों नहीं आ रही थी। सब सवालों के जवाब आज की इस वाली वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को शुरू करें। वेलकम टू आई इन काजी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को एक स्टोरी तो सुनाऊंगा ही, और उसके साथ साथ जो दो सवाल मैंने शुरू में बताए थे उसके जवाब मैं एंड में दूंगा। और आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम एंड हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उनका एक ही नहीं है, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का अलग वाक्य है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अलग वाक्य है। दोनों वाक्य छोटे छोटे हैं, तो मैंने बोला चलो इनको एक साथ सुना देते हैं, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अपने गधे के साथ कहीं सफ़र पे जा रहे थे। वो जहाँ पे रह रहे थे अपने इलाके से, वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे, वो करीब में ही थे। तो रात हो गई थी, तो इसलिए वो उधर पहाड़ होता है उस पे के अंदर जो गार होती है वहाँ पे जाके सो गए। और वो सो गए कब तक सोए वो आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो पूरे 100 साल अल्लाह ताला ने उनको सुलाया, पूरे 100 ईयर। और जब वो उठे तो ज़ाहिर है वो तो पैगंबर थे, तो उन्होंने वो अल्लाह से बात करते थे। तो उन्होंने अल्लाह ताला ने उनसे पूछा, उज़ैर तुम कितने साल सोए हो, मतलब सॉरी अल्लाह ताला ने कहा उज़ैर तुम कब तक सोए हो। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा यही अल्लाह मैं पूरे एक या हाफ डे, एक या आधा दिन सोया हुआ। अल्लाह ताला ने कहा नहीं, तुम पूरे 100 साल सोए हो, मैंने तुम्हें पूरे 100 साल सुलाया। उज़ैर अलैहिस्सलाम शॉक्ड हो गए, उन्होंने बोला कैसे। तो हज़रत अल्लाह ताला ने कहा तुम अपने गधे को देखो, उसकी जो हड्डियां हैं वो सारी हड्डियां, बल्कि हड्डियां नज़र आ रही हैं, और जो हड्डियां हैं वो भी टूट टूट के ज़मीन पे पड़ी है। और कहा कि तुम अपना खाना और पानी देखो, सी योर वाटर एंड सी योर फूड, वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा ओ, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम पूरे 100 साल सोए थे। तो अल्लाह ताला ने कहा ए उज़ैर अब तू देख ये जो तेरा गधा है जिसकी हड्डियाँ हड्डियाँ अलग हो चुके हैं कि है, अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि हम, मतलब कि अल्लाह और फरिश्ते कैसे इस गधे को वापसी से जिंदा हालत में लाते हैं, वापसी से उसको ज़िंदगी देते हैं। तो फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और वो ऐसे हड्डियाँ यूँ एक वहाँ से आ रही है, एक वहाँ से आ रही है, सब आके जुड़ गई। तो एक हड्डी यहाँ से आ रही है, एक हड्डी वहाँ से आ रही है, वो पूरी हड्डियों का स्ट्रक्चर तैयार हो गया, स्केलेटन बन गया वो गधे का। उसके बाद वो चर्बी आई वो लगी और दोबारा से वो गधा जिंदा हो गया। और अगर अभी हम ये देखें तो हम तो ऐसे शॉक रहेंगे, कोई कोई तो बेहोश भी हो जाएगा। तो उनके साथ तो ये हुआ है। तो फिर उनको अल्लाह पे 110, 101,000 वाला जितने नंबर है उससे ज़्यादा उनको अल्लाह पे भरोसा हो गया कि हाँ। अब अगला वाक्य है हमारा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मतलब कि जितने भी पैगंबर हैं सबके बहुत सारे वाक्य, जिनमें से हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का एक ये वाक्य था और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक ये वाक्य। वो वाक्य ये है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ए अल्लाह तू लोगों को ज़िंदा और वापसी कैसे मारता और वापसी कैसे लाता है, हाउ यू गिव डेथ टू लाइफ ऑफ ह्यूमन। तो फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम 4 अलग अलग नस्लों के कबूतर लेकर आओ और उनको ज़िबा करके कीमा बना के उनका एक पहाड़ की चोटी पे जाके रख दो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल ऐसा करा, 4 अलग अलग नस्ल के कबूतर लेकर आए, उनको ज़िबा किया, उनका कीमा बना के हड्डियाँ अलग करके उनको एक पहाड़ की चोटी पर जाके रख दिया। थोड़ी देर बाद
वो परिंदे वहां से उड़ने लगता है। अल्लाह की शान देख के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो ऐसे शॉक्ड हो गए थे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की तरह। और फिर अल्लाह ताला ने कहा देख अब हम इसको कैसे जिंदा करते हैं। और वो थोड़ी 10-15 सेकंड बाद ही वहां से वो चारों परिंदे उड़ते हुए चले गए। ये था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया। ये वाकया सुनाते सुनाते मुझे एक बात याद आ गई। हमें अच्छा तो ये एक वाकया तो नहीं है, ये मेरी इस्लामियत की बुक में लिखा हुआ था, मैंने सोचा आप लोगों को सुनाया। तो ये क्या कोई है जो लोग सोचते हैं कि ये जो पहाड़ है, ये जो पहाड़ है, ये जो दरख्त है, अगर मैं आपसे पूछूं कि दरख्त कैसे है, आप लोग मुझे यही कहेंगे ना भाई कि मैंने सीड लगाया, उसको पानी देते रहा, वो उग गया। तो फिर मैं आप लोगों से पूछूं सीड कहाँ से आया, आप लोग बोलेंगे कि कहीं से खरीदा है, तो उनके पास कैसे आया। तो ये सब सारा जो प्रोसेस है वो सब करता है कौन, कोई तो है ना जिसने ये पहाड़ बनाया, जिसने ये दरख बनाया, और उसकी होने की एक वंडरफुल एग्जाम्पल हमें किसने बनाया। कोई मशीन तो नहीं बना सकती ना मैं ये बात, कोई मशीन तो नहीं बना सकती ना मैं। आप किसी को भी जाके बोल दें, आप किसी भी साइंटिस्ट के पास चल जाए, किसी भी इंजीनियर के पास चल जाए और उसको जाके बोल दें कि ऐसा एक नाखून बना के दे दे रियल, वो जितने भी मशीनें यूज कर लें, जितने भी पैसे लगा लें, वो ऐसा एक नाखून नहीं बना के दे सकते। हमारे अंदर सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, वो कहाँ से आए, अल्लाह ने बनाया ना, तो कोई तो है जो ये सब कर रहा है। कौन है? दी ओनली वन, अल्लाह सुबहाना व ताला। तो हमें नमाजें पढ़नी चाहिए ना, अल्लाह की इबादत करती रहनी चाहिए, और जिसके साथ ये हुआ है उसका ईमान कितना पक्का होगा ना। और एक और वाक्य याद आ गया जो कि इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर, वो नहीं मतलब के सवाल पे, मैं इतने दिनों से कहाँ था और वीडियो क्यों नहीं आ रही थी, ये दोनों सवाल को मर्ज करके इसका एक ही जवाब है। अभी मैं 3 या 4 फ्राइडे से वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, लाइट चली जाती है, सही है। और पहले दिन मैंने टॉपिक सोचा, हाँ ये टॉपिक है, लाइट चली गई। अगले दिन दूसरा टॉपिक सोचा, लाइट चली गई। तीसरे दिन अगला टॉपिक सोचा, लाइट चली गई। चौथे दिन सोचा, लाइट चली गई। और अभी भी लाइट गई हुई, आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए अभी भी। तो आप लोग देख सकते हैं अभी भी लाइट गई हुई, मैं ये रिंग लाइट के जरिए से वीडियो बना रहा हूँ। तो आप देखिए कितनी मेहनत लगती है ना, तो फिर इसलिए नहीं आ रही थी, मैंने बोला चलो आज बना ही लेते हैं। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मिल रहा हूँ आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी से 300 सब्सक्राइबर्स करवाए, वी आर सो क्लोज। ओके, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।